हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज हम लोग जो है सेकंड लास्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम डिस्कस करेंगे, इसको शॉर्ट में IVT भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आप लोग 12th में कैलकुलस में भी पढ़ोगे। यहां पर मैं आपको दो पार्ट्स में इसको बताऊंगा, कुछ पार्ट कैलकुलस के लिए छोड़ देंगे, जब कैलकुलस में पढ़ेंगे फिर उसके आगे की चीजें भी आप समझेंगे। एक तो चूंकि हमारा चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में IVT का मतलब क्या है पहले मैं उसको बिल्कुल सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं आपको पॉलिनोमियल इक्वेशंस जो रहती हैं, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस होती हैं, उनमें IVT कैसे अप्लाई की जाती है और उसके क्या यूजेस हैं वहां पर, वो मैं आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। y इक्वल टू fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a नॉट इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। p और q कोई भी दो नंबर्स हैं, सच दैट कि इफ fp और fq की हम मल्टीप्लाई करें तो वो निगेटिव वाला है, यानी कि fp इंटू fq नेगेटिव आ गया, तो इससे हमारा निष्कर्ष ये निकलेगा द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली वन रूट लाइन बिटवीन p एंड q। मतलब क्या है इस बात का, देखो अगर हम a > 0 लेते हैं तो हमें पता है पैराबोला जो है वो ओपनिंग अपवर्ड होगा। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड मतलब जो क्वाड्रेटिक है वो इस प्रकार से बना। FP इंटू FQ नेगेटिव दिया है, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि P यहां पर हो और Q यहां हो, ताकि जो P के कोरस्पॉन्डिंग FX की वैल्यू मिले FP, ये पॉजिटिव हो और Q के कोरस्पॉन्डिंग जो मिले वो नेगेटिव हो। या आप ऐसा भी ले सकते हो कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है और P यहां पर है और Q यहां पर है, तो P के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिली वो नेगेटिव और Q के कोरस्पॉन्डिंग जो मिली वो पॉजिटिव। अब दोनों ही केस में देख सकते हो कि जब FP इंटू FQ का प्रोडक्ट, FP और FQ का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो आप देख सकते हो ये रूट एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइन बिटवीन P एंड Q। वही बात यहां पर भी है कि FP, ये वैल्यू FP है जो कि नेगेटिव है, और ये वैल्यू FQ है जो कि पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आया FP इंटू FQ का, तो जो रूट है वो P और Q के बीच में आया, वो एग्जैक्टली वन रूट हो गया। अब अगर मान लो a जो है वो नेगेटिव है तो उसमें भी चेक कर लेते हैं, तो स्थिति इस प्रकार से, वो भी पैराबोला जो है ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ये p है मान लो, यहां पर q है, तो fp नेगेटिव fq पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव fp इंटू fq का, तो आप देख सकते हो कि एक रूट p और q के बीच में लाई कर रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि भाई आप p को यहां ले लो और q को यहां ले लो, तो इस केस में FP जो है वो पॉजिटिव हो गया और FQ नेगेटिव हो गया। यहां भी आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज बिटवीन P एंड Q। अब बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, ग्राफ से तो समझ में आ गया कि ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं? तो देखो भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना बहुत ही शानदार बनते हैं। दो तीन एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद आप बाकी के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे तो आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। लेट अल्फा बी ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड बीटा बी रियल रूट ऑफ द इक्वेशन माइनस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन शो दैट देयर एग्जिस्ट ए रूट गामा ऑफ द इक्वेशन a/2 x² प्लस bx + c = 0 दैट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा। मतलब क्या है इस बात का, अल्फा जो है वो इसका रियल रूट है, इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मेरे पास a(α² प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन इन हैंड है, अल्फा इसका रूट है। नहीं देखो, अल्फा जो है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूट है,
तो मेरे पास एक रिलेशन ये आ गया कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा। एक बात, बीटा जो है वो इसका रियल रूट है, इट मींस माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी ये भी जीरो होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हमें ये प्रूफ करना है, शो दैट देयर एग्जिस्ट रूट गामा ऑफ द इक्वेशन ए बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसका एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हमने इसको मान लिया, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम यहां से एफ अल्फा निकालेंगे, एफ अल्फा, तो एफ अल्फा क्या आएगा, ए बाई टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। लेकिन बी अल्फा प्लस सी की जो वैल्यू है वो तो माइनस ए अल्फा स्क्वायर है, तो जब आप बी अल्फा प्लस सी की जगह माइनस ए अल्फा स्क्वायर यहां पर पुट करोगे तो ए बाई टू अल्फा स्क्वायर जो पहले से ही था, ए बाई टू अल्फा स्क्वायर और माइनस ए अल्फा स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का ए बाई टू अल्फा स्क्वायर। फिर हम एफ बीटा फाइंड कर लेते हैं, एफ बीटा क्या हो जाएगा, ए बाई टू बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी। लेकिन आपके पास जो पहले से रिलेशन था, बी बीटा प्लस सी की वैल्यू प्लस का ए बीटा स्क्वायर है, तो बी बीटा प्लस सी की जगह आप ए बीटा स्क्वायर रखोगे तो ए बाई टू बीटा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर कुल मिला के थ्री बाई टू ए बीटा स्क्वायर आ गए। अब आपके मन में क्या क्वेश्चन चल रहा है, ये एफ एक्स मान लिया तो इसमें अल्फा बीटा क्यों रखे। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट याद करो, क्या बताया था अभी, कि अगर एफ पी इंटू एफ क्यू लेस देन जीरो हो तो एक रूट पी और क्यू के बीच में लाई करता है। तो यहां भी हमें प्रूफ ये करना था कि एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है, किसका, ए बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का। इसलिए हमने इसको एफ एक्स माना और एफ अल्फा एफ बीटा फाइंड कर रहे हैं। अब अगर ये प्रूफ हो जाए कि एफ अल्फा इंटू एफ बीटा लेस देन जीरो है तो प्रूफ हो जाएगा कि अल्फा और बीटा के बीच में एक रूट लाई कर रहा है। तो देखो, सिंस एफ अल्फा इंटू एफ बीटा को अगर आप फाइंड कर दो, एफ अल्फा इंटू एफ बीटा कितना आ रहा है, एफ अल्फा की वैल्यू माइनस ए बाई टू अल्फा स्क्वायर है और ये थ्री बाई टू ए बीटा स्क्वायर है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस थ्री बाई फोर ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच इज लेस देन जीरो। तो एफ अल्फा और एफ बीटा का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट, बल्कि एग्जैक्टली वन रूट बोलेंगे, क्वाड्रेटिक का केस है, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। क्लियर है, इस क्वेश्चन को दो बार प्रैक्टिस करना कम से कम। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं तुम लोगों को, ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। वन मोर एग्जाम्पल ऑन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इफ ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी देन शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस लैम्डा एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, और ए बी सी डी जो है ये सभी भी रियल नंबर्स हैं। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई इसके रूट रियल होंगे, लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए और ए बी सी डी भी रियल है कोफिशिएंट्स। तो मैंने ऐसा कर लिया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू सॉरी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी है प्लस लैम्डा एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसको नाम एफ एक्स रख लिया।
एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो और उसका डी निकालो। तो आपको प्रूफ करना है कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चूंकि हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो हमें उसी से सोल्व करना है। अब देखो, सबसे पहले आप एफ बी बताओ कितना होगा। एफ बी जब हम एक्स की जगह बी डालेंगे तो ये मिला बी माइनस ए बी माइनस सी और प्लस ये जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स की जगह आपने बी डाला तो ये टर्म जीरो हो रही है, इसलिए बाकी पूरा जीरो हो जाएगा। देखो ये रिलेशन दे रखा है, तो ए लेस देन बी है तो बी माइनस ए पॉजिटिव हुआ और बी माइनस सी नेगेटिव होगा। b माइनस ए पॉजिटिव, b माइनस सी नेगेटिव। ये b माइनस ए जो है ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है b माइनस सी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ? नेगेटिव। तो यहां से मेरे पास क्या निष्कर्ष आया कि एफ बी जो है वो नेगेटिव है। एफ डी बताओ, एफ डी जब आप एफ डी फाइंड करोगे तो क्या आएगा? d माइनस ए इंटू डी माइनस सी प्लस अगेन जीरो, क्योंकि x की जगह आपने d डाला तो इस टाइम ये वाली टर्म जीरो होगी तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। d जो है वो a से भी बड़ा है और c से भी बड़ा है, तो d माइनस ए भी पॉजिटिव है और d माइनस सी भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आया। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि एफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। तो सिंस b और d ऐसे दो नंबर्स हैं कि एफ बी इंटू एफ डी लेस देन जीरो आ रहा है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एफ बी इंटू एफ डी लेस देन जीरो। इट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज वन रियल रूट दैट लाइंग बिटवीन बी एंड डी B and D। ये तो गारंटी ले ली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ने कि भाई एक रूट B और D के बीच में लाई करेगा, रियल रूट। अच्छा, क्वाड्रेटिक में टोटली दो रियल रूट होते हैं, अगर मतलब एक्चुअली टोटली दो रूट होते हैं। अब एक रियल हो गया तो दूसरे को तो रियल होना ही पड़ेगा, समझे ना बात? ऐसे तो हो नहीं सकता कि एक रूट रियल हो और एक इमेजिनरी हो जाके अलग, क्योंकि इमेजिनरी रूट तो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है जब कोफिशिएंट रियल होते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई एक रूट रियल है तो दूसरा भी रियल होगा, और यही एक्चुअली हमें प्रूफ करना था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट रियल होंगे चाहे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो एक रूट की गारंटी रियल होने की आई बेटी ने ले ली, और एक की गारंटी जो क्वाड्रेटिक की थ्योरी है वही लेती है कि भाई रूट अकेला एक रियल नहीं हो सकता, दो रियल होंगे क्वाड्रेटिक में, अगर होंगे तो दोनों होंगे, नहीं तो दोनों ही नहीं होंगे, फिर दोनों कॉम्प्लेक्स पेयर्स में होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हमने पिछले दो क्वेश्चंस में समझा कि आईवीटी यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को हम क्वाड्रेटिक में कैसे अप्लाई करते हैं। अब भाई इस सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जनरल वे में पढ़ रहे हैं, जनरल मतलब पॉलीनोमियल के लिए फिलहाल, बाकी जनरल फंक्शंस के लिए भी पढ़ेंगे कैलकुलस में, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो अगर कोई पॉलीनोमियल फंक्शन है वो जरूरी नहीं कि डिग्री टू का हो, वो डिग्री थ्री फोर फाइव कितने भी डिग्री का हो सकता है, बट पॉलीनोमियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इफ एफ एक्स इज ए पॉलीनोमियल फंक्शन एंड इफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ बी देन एफ एक्स टेक्स ऑन एवरी वैल्यू बिटवीन एफ एंड एफ बी। ये भी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का ही स्टेटमेंट है। अब ये लिखा क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। fx एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जब हम किसी ग्राफ को प्लॉट करें तो हमें कहीं भी पेन ना उठाना पड़े। तो पॉलीनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं उन सबके ग्राफ ऐसे ही बनते हैं जहां पर आपको कहीं भी पेन नहीं उठाना पड़ता, पूरे ग्राफ पर आप एक बार पेन रख के घुमा सकते हो ऐसे। ठीक है, तो उसको अगर कोई ग्राफ इस प्रकार से है तो उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोला जाता है। ओके, अब देखो ये मान लो कि ऐसा कोई भी फंक्शन है और ये यहां पर a है, सपोज a और ये b, तो f a की जो वैल्यू हुई वो यहां पर हुई, ये f a है और ये जो वैल्यू है यहां पर ये f b है, f b। तो
तो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, देन एफ एक्स टेक्स ऑन एवरी वैल्यू बिटवीन एफ एंड एफ बी, मतलब एफ ए और एफ बी के बीच की भी एफ एक्स सारी वैल्यू ले सकते। जैसे मान लो कहीं भी आप कोई पॉइंट लगो ना, यहां से कोई पॉइंट लिया तो ये एक वैल्यू मिल रही है एफ बी के बीच में जिसके कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा, मान लो ये के वन है तो आप एफ के वन आपको ये मिल गया। कहने का मतलब ये है कि एफ ए और एफ बी के बीच की सारी वैल्यूज एफ एक्स अटेम्प्ट कर सकता है अगर वो पॉलीनोमियल फंक्शन है तो। दूसरा यहां पर क्या बताया कि इफ एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन, सेकेंड स्टेटमेंट, देन एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो मस्ट लाई बिटवीन ए एंड बी। ये बहुत मोस्टली यूज किया जाता है। देखो अगर मैं पहले आपको क्वाड्रेटिक का ही समझा दूं, जैसा जो अभी कर रहे थे हम, तो मान लो यहां पर ए है और यहां पर बी, तो एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव आ गया, तो एक रूट आ गया ना ए और बी के बीच में, ये भी यही बोल रहा है। अगर क्यूबिक हो तो क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहता है। अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्यूबिक के ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा। तो मान लो कि यहां ए है यहां बी है, तो एफ ए और एफ बी को आपको अपोजिट साइन का लेना है, कहीं भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं कि यहीं पर लो। तो जहां भी आप एफ ए और एफ बी को देखोगे कि ए और बी, एफ ए पॉजिटिव है यहां पर एफ बी नेगेटिव है, तो एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव हुआ तो एक रूट ए और बी के बीच में आ गया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, मान लो कि आपने एक यहां ए ले लिया यहां बी ले लिया, तो एफ ए पॉजिटिव एफ बी नेगेटिव है, आप यहां भी बना सकते हो, तो कहीं भी ले लो। लेकिन अगर पॉलीनोमियल इक्वेशन है, पॉलीनोमियल इक्वेशन है, फिर से बता रहा हूं, क्यूबिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे ज्यादा डिग्री की तो पूछते नहीं जनरली, तो भी कितने भी डिग्री की हो पॉलीनोमियल इक्वेशन में, अगर दो नंबर आपके पास ऐसे हैं ए और बी कि एफ ए इंटू एफ बी निगेटिव आ रहा है, तो ए और बी के बीच में एफ एक्स इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसका कम से कम एक रियल रूट होगा ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मन में आपके ये चल रहा होगा, ये तो ठीक है एफ ए एफ बी जो है अपोजिट साइन के हैं तो एक रूट आ गया, कम से कम एक रूट। अगर मैं इसको जनरल वे में बोलूं तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अगर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो है तो ए और बी के बीच में हमेशा ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स लाई करते हैं, ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स, यानी कि या तो एक करेंगे, तो तीन करेंगे, तो पांच करेंगे, ठीक है। जैसे एक बना के बताता हूं आपको, देखिए आप इसको, देखो बना के बता रहा हूं। मान लो कि ये आपको कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन का ग्राफ दिया, और सपोज करो आपने यहां पर ए ले लिया ताकि ये एफ ए आपको पॉजिटिव मिले, और बी आपको ऐसी जगह लेना जहां पर एफ बी नेगेटिव मिले, कहीं भी ले सकते हो। मान लो आपने बी को यहां लिया एफ बी, तो अब आप देख सकते हो कि एफ ए और एफ बी का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो। तो अब रूट्स देखो कितने हैं, एक दो तीन। तो मैंने क्या बताया था अभी कि अगर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो आया तो ओल्ड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो विल लाई बिटवीन ए एंड बी। अब मन में क्वेश्चन ये चल रहा है कि अगर एफ ए इंटू एफ बी पॉजिटिव आ जाए, यानी कि दोनों सेम साइन के हो एफ ए बी एफ बी, तब हम रूट्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो लेट्स सी क्या बोल सकते हैं। देखो अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक से शुरू कर लेते हैं, तो यहां पर ए है और यहां पर बी, तो ये एफ ए और एफ बी दोनों पॉजिटिव है। स्थिति ऐसी भी हो सकती थी कि यहां पर ए है यहां पर बी है, तो यहां भी एफ ए इंटू एफ बी पॉजिटिव है। स्थिति जो है ऐसे भी हो सकती है, अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला हुआ, ये ए है ये बी है, तो एफ ए बी नेगेटिव है एफ बी भी नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आया। और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि यहां पर ए हो और यहां पर बी हो, तो अभी भी एफ ए और एफ बी का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इन चारों केसेस में, ये चारों केसेस मैंने क्वाड्रेटिक के लिए बनाए स्पेशली, क्योंकि ये चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक का चल रहा था। एफ ए इंटू एफ बी पॉजिटिव आया तो निष्कर्ष ये निकल रहा है, आइदर नो रियल रूट, देखो इस केस में आइदर नो रियल रूट और बोथ रियल रूट्स will lie between A and B. अगर FA into FB greater than 0 है तो FX equal to 0 जो quadratic equation है उसका या तो एक भी root A और B के बीच में lie नहीं करेगा, या तो दोनों root A और B के बीच में lie करेंगे।
अब मन में क्वेश्चन आता है कि ये क्वाड्रेटिक के लिए होगा, जनरल वे में क्या बोलेंगे, तो जनरल वे में हम क्या बोलेंगे, अब देखो जनरल वे में अगर मैं इसी में समझू यहीं पर, ये मैं आपको वापिस से क्यूबिक का और बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना के बता देता हूं। देखो मान लो कि ये क्यूबिक है ऐसे, अब यहां पर मैंने ए ले लिया और यहां पर बी, यहां पर ए नहीं ले सकते हम, चलो ले लिया तो ले लिया, ए जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिले, नेगेटिव, तो बी आपको यहां ऐसा लेना पड़ेगा ताकि एफ बी भी नेगेटिव मिले, एफ बी भी नेगेटिव मिले, क्योंकि एफ ए इंटू एफ बी क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो जब एफ ए इंटू एफ बी को हमने पॉजिटिव किया तो आप देखो एक दो, दो रूट आएगा, मतलब जब एफ ए इंटू एफ बी पॉजिटिव होगा तो जनरल रिजल्ट बोल रहा हूं मैं, सुनना, इफ एफ ए इंटू एफ बी इज ग्रेटर देन जीरो पॉलीनोमियल इक्वेशन में, दिस इंप्लाई दैट द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो आइदर हैज नो रियल रूट बिटवीन ए एंड बी और हैव इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स, इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स बिटवीन ए एंड बी, इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये आगे समझ में। अब इसके ऊपर एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। तो जो हम अभी जनरल पॉलीनोमियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर एफ ए इंटू एफ बी लेस देन जीरो होगा तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट रियल रूट ए और बी के बीच में लाई करेगा, और अगर एफ ए इंटू एफ बी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो आइदर नो रियल रूट और इवन नंबर ऑफ रियल रूट लाई बिटवीन ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन में बोला गया शो दैट द इक्वेशन 10x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन माइनस 1 एंड जीरो। तो आप देख सकते हो ये एक पॉलीनोमियल इक्वेशन है, तो इसका नाम हमने इस क्यूबिक पॉलीनोमियल का fx रख लिया, लेट fx इक्वल टू 10x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स, माइनस वन और जीरो के बीच में एक रूट चेक करना है, यानी कि यहां पर ए और बी का काम ये माइनस वन और जीरो करना है। तो इंटरमीडिएट वाली थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ जीरो का साइन चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं एफ ऑफ माइनस वन फाइंड करता हूं, माइनस टेन माइनस सेवनटीन माइनस वन प्लस सिक्स, तो कुल मिला के कितना आ गया माइनस का 22 which is less than 0। और अगर मैं f of 0 की बात करता हूं तो f of 0 आप देख सकते हो 6 आ रहा है which is greater than 0, तो since f of minus 1 into f of 0 is less than 0, this implies that the equation fx equal to 0, एफ एक्स इक्वल जीरो का मतलब क्या है, दैट इज द इक्वेशन 10x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन माइनस वन एंड जीरो। अब इसमें एक क्वेश्चन बच्चों के मन में चल सकता है कि सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये, तो खैर आईआईटी ने गारंटी ले ली कि भाई कम से कम एक रूट है, ये कैसे पता लगा है कि एग्जैक्टली वन रूट है कि एक से ज्यादा भी है। तो एग्जैक्टली वन रूट है कि नहीं, इसका भी हम लोग कैलकुलस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अच्छे से समझ चुके होंगे। जो बच्चे ऑलरेडी 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं, ड्रॉपर बैच में हैं,
उन बच्चों को समझाने के पर्पज से मैं यहाँ पर ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। इलेवेंथ वाले बच्चों को अगर इसके आगे का पार्ट समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में तो घबराने से कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो अब हम पता करने जा रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली वन रूट है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, माइनस वन और जीरो के बीच में। तो ये जो आपको एफ एक्स दिया गया है ना, एफ एक्स दिया गया, आप इसका एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स ये आ जाएगा 30x² माइनस 34x प्लस 1। तो इसका अगर d, इसका फिलहाल तो d आप चेक कर सकते हो, d जो है वो 34 माइनस 34 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 120। तो 34 का स्क्वायर कितना होता है चेक करो, 34 का स्क्वायर 6। तो यहां पर d जो है ये 34 का स्क्वायर करीबन करीबन 1500 से प्लस होता है, 1500 के आसपास, इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन बात ये है कि यहां पर d की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगा कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा रूट भी माइनस वन से जीरो के बीच में लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश इसका डी नेगेटिव आ जाता और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या हो जाता, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन जीरो हो जाता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता। तो एक रूट की गारंटी कि कम से कम एक रूट है वो आईवीटी ने ले ली, और अगर फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दैट केस दैट इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट, ठीक है। और एक आगे बढ़ते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए। फर्स्ट, एवरी इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। कोई भी ओड डिग्री की जो इक्वेशन होती है उसका कम से कम एक रियल रूट होता ही है, या तो ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स होते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एवरी इक्वेशन ऑफ एन इवन ओड डिग्री हैज एटलीस्ट वन रियल रूट whose sign is opposite to that of the last term, जो constant term होती है ना उसके opposite sign का होता है वो root हमेशा, ठीक है। Provided the leading coefficient is positive, यानी कि जो अगर आप cubic ले रहे हो तो x cube का coefficient positive बनाना है, अगर आप 5 degree की ले रहे हो तो x की power 5 का coefficient positive बनाने के बाद ये rule लागू होता है। अब बात आती है कि अगर equation even degree की है and इसका जो last term है वो negative है, तो इसके कम से कम दो रियल रूट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और इसमें भी कंडीशन आपको क्या रखनी है कि द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। मैंने यहां पर लिखा ना प्रोवाइडेड, तो यहां पर यही बात लिखनी है, प्रोवाइडेड द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। प्रोवाइडेड मैं लिख ही देता हूं, प्रोवाइडेड द लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो यहां पर आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसके ऊपर हम अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, मतलब मैजिकल मेथड है क्यूबिक इक्वेशन लिखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना जब आपको रूट्स दिए गए हों, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।